नमस्कार, आज मैं आपको फालुन दाफा के बारे में बताने जा रही हूँ। फालुन दाफा, जिसे फालुन गोंग भी कहा जाता है, यह मन और शरीर का प्राचीन साधना अभ्यास है जो आज 100 से अधिक देशों में लोकप्रिय है। यह सत्य, करुणा और सहनशीलता के विश्वक सिद्धांतों पर आधारित है। तो चलिए आइए, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इसे वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसकी खोज एक जापानी साइंटिस्ट डॉक्टर मसारो इमोटो ने की थी। उन्होंने पानी के क्रिस्टल की संरचना पर शब्दों, प्रार्थनाओं और संगीत के प्रभाव को देखने के लिए कई प्रयोग किए। डॉक्टर मसारो इमोटो ने पानी की बूंद को स्लाइड पर रखकर उसे फरिश्ता शब्द का विचार दिया और दूसरे पानी की बूंद को उन्होंने शैतान शब्द का विचार दिया और उस स्लाइड को जमा दिया। फ्रीज होने के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप से पानी के क्रिस्टल की जांच की और जैसा कि आप देख सकते हैं, फरिश्ता जैसे शब्दों वाला वाटर क्रिस्टल शैतान शब्द की तुलना में अधिक संयोजित और सुंदर बन गया है। उन्होंने एक बार पानी की बूंद को स्नेह और धन्यवाद जैसे अच्छे शब्दों और दूसरे को तुम बुरे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा जैसे बुरे शब्दों के विचार दिए। अच्छे शब्दों से पानी की बूंद सुंदर आकार के क्रिस्टल में बदल गई और बुरे शब्दों से खराब आकार में बदल गई। इसी प्रकार उन्होंने विभिन्न भाषाओं में विवेक शब्द का विचार दिया और वह आप देख सकते हैं कैसे सुंदर क्रिस्टल बन गए। उन्होंने क्या किया, एक बार जब पानी की बूंद को शांत और सुरीले संगीत के संपर्क में लाया गया तो यह एक अच्छे आकार में बदल गया और जब यह कर्कश हैवी मेटल संगीत के संपर्क में लाया गया तो विकृत आकार में बदल गया। जापान के शहर कोबे में एक बार भूकंप आया, जिसके बाद वहां लिया गया पानी का क्रिस्टल ऐसा लगता है जैसे पानी डर से सहम गया है। दूसरा सैंपल तब लिया गया जब कोबे में दुनिया भर से मदद आई और लोगों ने प्रार्थना की, तो आप देख सकते हैं दोनों के आकार में कितना अंतर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यह प्रयोग साबित करता है कि पानी की अपनी मेमोरी होती है और यह अपने परिवेश और विचारों से प्रभावित होती है। तो जरा सोचिए कि मानव शरीर हमारा 70% पानी है और फिर आप टीवी, वीडियो गेम, उग्र हिंसक कार्टून से कैसे दूषित हो रहे हैं। यही वजह है बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। अच्छे शब्दों का हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फालुन दाफा अभ्यास हमें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन में सच्चाई, करुणा और सहनशीलता का अभ्यास करें। तो आइए बात करते हैं फालुन दाफा के बारे में। फालुन दाफा, जिसे फालुन गोंग भी कहा जाता है, यह मन और शरीर का प्राचीन साधना अभ्यास है। तो ये मन की साधना क्या है? मन की साधना फालुन दाफा व्यक्ति के नैतिक चरित्र या आंतरिक स्वभाव को सुधारने पर जोर देता है। वो कैसे होगा? जो ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी सिद्धांत हैं, हमें उनका पालन करना है। वो क्या है? सत्य, करुणा, सहनशीलता, ट्रुथ, कंपैशन एंड टॉलरेंस। और मास्टर कहते हैं कि जैसे जैसे आप अपने नैतिक चरित्र में सुधार करेंगे तो आपके शरीर में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। और शरीर की साधना क्या है? शरीर की साधना के लिए फालुन दाफा में 5 सौम्य और प्रभावी व्यायाम हैं, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। पहला व्यायाम है बुद्ध सहस्त्र हस्त प्रदर्शन। यह हमारे शरीर की सभी शक्ति नाड़ियों को खोलता है, जिससे शक्ति का प्रवाह निर्विघ्न हो सके। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, हमारे एनर्जी चैनल्स को ओपन करता है। दूसरा व्यायाम है फालुन स्थिर मुद्रा व्यायाम। यह एक खड़े होने का मेडिटेशन है। आपने सिटिंग मेडिटेशन जरूर किया होगा,
पर आज हम आपको खड़े होने के मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं। यह हमारे शक्ति सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। तीसरा व्यायाम है ब्रह्मांड के दो छोरों का भेदन। दो छोर कौन से हैं? धरती और आकाश। धरती और आकाश में बहुत एनर्जी है। उस एनर्जी को कैसे हमें अपनी बॉडी में लेना है, कैसे नेगेटिविटी को बाहर निकालना है, यह तीसरा व्यायाम बताता है। यह विश्व की शक्ति का शरीर की शक्ति के साथ विलय करता है। चौथा व्यायाम है फालुन दिव्य परिपथ। यह मानव शरीर की सभी असामान्य परिस्थितियों को ठीक करता है। जो भी एनर्जी हमने बॉडी में ली है उसको प्रॉपरली बॉडी में चैनलाइज करता है। और पांचवा व्यायाम है दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करना। दिव्य शक्तियां हम सबके अंदर होती हैं, पर इस मोह माया में पढ़कर हम अपने अंदर झांकी नहीं पाते हैं। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो लोग कहते हैं आप मेडिटेशन करो। पर क्यों करो और कैसे करो? तो जब हम शांत होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपने अंदर देख पाते हैं और हम अपने आप से मिल पाते हैं। इसीलिए कहते हैं यही वो टाइम होता है व्हेन यू मीट योर ट्रू सेल्फ। आप अपने आप से मिलते हैं। तो जब सही तरीके से मेडिटेशन कैसे करते हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यह हमारे शक्ति सामर्थ्य और दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करता है। तो फालुन दफा आज के तेज रफ्तार जीवन के लिए क्यों उपयुक्त है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यह मन और शरीर दोनों की साधना है, माइंड और बॉडी। जब हम अपने मन की साधना करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप प्योरीफाई होता है। यह गोंग की साधना है जो कि एक उच्च शक्ति पदार्थ है। यह वर्तमान चेतनता की साधना है, प्रेजेंट अवेयरनेस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मास्टर ने कहा है आपको प्रेजेंट रहना है, आपको कहीं ध्यान नहीं लगाना है, कोई जाप नहीं करना है, आपको प्रेजेंट में रहकर एक्सरसाइजेस को करना है। और ये प्रेजेंट अवेयरनेस की जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये हमारे को हमें डेली लाइफ में बहुत मदद करती है। जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा है, हम टेंशन हो रहा है, हमें इमोशंस आ रहे हैं, तो अगर हम प्रेजेंट होते हैं तो हम अवेयर रह पाते हैं कि हमें अपने आप को कहाँ सुधार लाना है। इसमें पांच सौम्य और प्रभावी व्यायाम है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अच्छी बात यह है कि इसमें टाइम का कोई कंसर्न नहीं है। आप मॉर्निंग में स्कूल जा रहे हैं, आप बिजी हैं, आप फर्स्ट एक्सरसाइज 10 मिनट्स में कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप शाम को पढ़ के थक गए, आप मेडिटेशन कर लीजिए, आप बुक पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इसमें डायरेक्शन का कोई कंसर्न नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में खड़े होकर, दिशा में खड़े होकर आप इन अभ्यास को कर सकते हैं। सांस की कोई टेक्निक नहीं है, ब्रीदिंग की कोई टेक्निक नहीं है। नॉर्मल खड़े होकर हमें ब्रीद करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सरसाइजेस को करना है। भोजन का कोई बंधन नहीं है, खाने से पहले, खाने के बाद कभी भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो मास्टर कहते हैं मन की साधना से न केवल आपके शरीर में परिवर्तन होता है, बल्कि आपके परिवेश भी बदलता है। मींस आपका सराउंडिंग भी चेंज होता है। जब आप पॉजिटिव होते हैं, आप एनर्जेटिक होते हैं, तो आपके सराउंडिंग भी पॉजिटिव और एनर्जेटिक होता है। फालुन दफा की पुस्तकें जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, दो पुस्तक हैं फालुन दफा में। पहली है फालुन गोंग। यह एक परिचय पुस्तक है जिसमें अभ्यासों का चित्रण और सिद्धांतों की व्याख्या दी गई है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस को कलर्ड पिक्चर्स में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसको आप पढ़कर भी एक्सरसाइजेस को सीख सकते हैं। दूसरी मेन पुस्तक है जॉन फालुन। यह फालुन दफा की मुख्य पुस्तक है। इसमें मास्टर के 9 व्याख्यानों का संकलन है जो ब्रह्मांड का सत्य, पदार्थ, काल अवकाश और मानव जीवन की उत्पत्ति और विकास को प्रकट करता है। मास्टर ली होंग जी फालुन दफा के संस्थापक और गुरु, ये उनका पिक्चर है। चलिए अब हम आपको स्टोरी सुनाते हैं फालुन दफा कैसे शुरू हुआ।
फालुन 1992 में मास्टर ने चीन में बड़े पैमाने पर व्याख्यान द्वारा इस अभ्यास को सिखाने की शुरुआत की और बहुत ही कम समय में लाखों लोग इसका अभ्यास करने लग गए। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं चीन के पार्कों में लाखों लोग फालुन गोंग का अभ्यास करते हुए। और आज 100 से भी ज्यादा देशों में इसका अभ्यास किया जा रहा है। ये पिक्चर है मास्टर एक्सरसाइज सिखाते हुए। कुछ पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र की पिक्चर्स हैं ये। फालुन दाफा को चीन में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान से स्वास्थ्य लाभ और नैतिक उत्थान के लिए सैकड़ों पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र मिले हैं। उनको 4 बार नोबेल शांति पुरस्कार और यूरोपीय संघ के संसद सदस्यों द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखराव पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। ये पिक्चर्स हैं सम अवार्ड्स एंड प्रोक्लेमेशंस। पर दुख की बात यह है, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है, फालुन दाफा के अभ्यासियों का चीन में दमन हो रहा है। 1992 में जब फालुन दाफा की शुरुआत हुई तो उसके स्वास्थ्य लाभ और आध्यात्मिक शिक्षाओं के कारण यह बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया और 1996 तक आते आते 7 से 10 करोड़ लोग फालुन गोंग का अभ्यास करने लग गए, जो कि वहां की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता से अधिक था। उस समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता करीब 6 करोड़ थी और 7 से 10 करोड़ लोग इसका अभ्यास करने लग गए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है और उनकी नास्तिक विचारधारा है, तो वो अध्यात्म पर विश्वास नहीं करते, वहां पर विचारों की स्वतंत्रता नहीं है। तो जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का रूलर था जियांग जेमिन, उसने देखा कि ये लोग अगर सत्य, करुणा और सहनशीलता की बातें करेंगे तो उनके कम्युनिज्म का क्या होगा। इसके चलते 1999 में कम्युनिस्ट शासन ने फालुन गोंग पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके अनुयायियों का क्रूर दमन शुरू कर दिया, जो आज तक जारी है। ये बहुत दुख की बात है। ये ऐसे ही है जैसे हम अपने गार्डन में योगा करें, अपनी कोई प्रैक्टिस करें और पुलिस हमें आके पकड़ ले, हमें मारे, हमें प्रताड़ित करे और कहे ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप वही करेंगे जो हम कहेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वहां पे फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, फ्रीडम ऑफ फेथ नहीं है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, तो ये बातें बाहर निकल के आ ही नहीं पाती हैं। तो जो प्रैक्टिशनर्स वहां से बाहर निकले हैं उन्होंने इस घिनौने सत्य को उजागर किया है और लोगों के सामने लाया है। पूरे विश्व में इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई गई है। अगर आप भी इसके बारे में सही जानकारी चाहते हैं तो आप falun.info.net पर जाकर ले सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सही और गलत जानकारी आपको मिलेगी, पर सही जानकारी पर्सिक्यूशन से रिलेटेड आपको falun.info.net पर मिलेगी। और हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं? एक वर्ल्ड वाइड सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है nccp.com, वहां जाकर हम सिग्नेचर करके बता सकते हैं कि यह जो अन्याय चल रहा है इसके बारे में आज दुनिया जानती है और यह खत्म होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत और विश्व में फालुन दाफा का कैसे अभ्यास किया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखाती हूं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम में से बहुत से लोग मन की शांति और स्वस्थ रहने के परिपूर्ण तरीके खोज रहे हैं। हम आपका परिचय फालुन दाफा या फालुन गोंग से कराना चाहेंगे, जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। इसमें 5 सौम्य और प्रभावी व्यायाम और ध्यान अभ्यास सिखाए जाते हैं और मन की साधना यानी सत्य, करुणा और सहनशीलता के नियमों का पालन किया जाता है। खड़े होकर करने वाले व्यायाम
शक्ति नाड़ियों को खोलने में मदद करते हैं, जिसमें शरीर को शुद्ध करने और बुद्धिमत्ता जागृत करने में मदद मिलती है। बैठकर करने वाला ध्यान अभ्यास मानसिक शक्तियों को जागृत करता है, जिसमें मन एकाग्र और शांत होता है। फालुन गॉन्ग के अभ्यास से लोगों को अभूतपूर्व स्वास्थ्य लाभ अनुभव होते हैं, जैसे एक नई ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और तनाव से राहत। फालुन गॉन्ग जीवन में नैतिक गुणों के साथ आत्मसात होने और आध्यात्मिक ध्येय की राह प्रशस्त करता है। फालुन गॉन्ग का अभ्यास 100 से अधिक देशों में सभी भाषा और वर्ग के लोगों द्वारा किया जा रहा है और इसे पार्कों, सामुदायिक स्थानों और ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से पूरी तरह निशुल्क सिखाया जाता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे कर सकते हैं। आइए एक स्वस्थ और सुखद जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आज ही फालुन गॉन्ग का अभ्यास अपना कर देखें। हो सकता है आप इसी को खोज रहे थे। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अब बात करते हैं फालुन दफा विश्व में और भारत में कैसे अभ्यास किया जा रहा है। आज फालुन दफा का अभ्यास 100 से भी अधिक देशों में किया जा रहा है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये पिक्चर है सैन फ्रांसिस्को यूएसए की, पेरिस फ्रांस। हम लोग की ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो नॉर्मली हम गार्डन्स में, पार्क्स में, बीच साइड पे प्रैक्टिस करते हैं। ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर है, साउथ अमेरिका, श्रीलंका। अच्छी बात यह है कि इसको कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी बैकग्राउंड का। 5 ईयर्स से लेकर 95 ईयर्स तक के लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। फालुन दफा की शुरुआत भारत में सन 2000 में हुई, दिल्ली और मुंबई से शुरू हुआ था और आज छोटी बड़ी सारी सिटीज में इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारी सिटीज में इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। फालुन दफा को हमने स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया, जिसके बहुत वेलकम किया गया। आज इंटरनेट ने जब बच्चों का फोकस हटा दिया है, तो ऐसे में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ाता ही है, पर जो वैल्यूज हम ही भूलते जा रहे हैं वो हमें खुद सीखना है और अपने बच्चों तक उन वैल्यूज को बताना है। सत्य, करुणा और सहनशीलता की अगर हम इम्पोर्टेंस उनको बता पाए तो वो उनको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगा और तब वो एक बेहतर विश्व का निर्माण कर पाएंगे। फालुन दफा एज ए स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूट्स में, पुलिस एकेडमी में, प्रिजन में सिखाया, जिसको बहुत वेलकम किया गया। चलिए अब हम स्वास्थ्य लाभ की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत अच्छे महान सुधार हुए हैं, जैसे कि नींद अच्छी आना, तनाव कम होना, ऊर्जा में वृद्धि, चिड़चिड़ापन में कमी, पाचन में सुधार और भी बहुत कुछ। हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो ये बॉडी अपने आप प्यूरिफाई होती है, क्योंकि जब हमारा माइंड प्यूरिफाई होता है तो बॉडी अपने आप प्यूरिफाई होती है, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे माइंड का ही रिफ्लेक्शन है। कई लोगों के तो जो पुरानी बीमारियां थी, कैंसर, मधुमेह, हेपेटाइटिस, हृदय रोग, ये पुरानी बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो गई। अन्य लोगों के जो एडिक्शंस होते हैं, चाहे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं, आजकल इंटरनेट का एडिक्शन है, फूड का एडिक्शन है,
तंबाकू है, बहुत सारे एडिक्शंस हैं, वो भी खत्म हुए हैं। कुछ प्रैक्टिशनर्स का तो ये भी कहना है कि जब उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और बुक पढ़ना शुरू किया तो उन्हें पता भी नहीं लगा कि ये कब खत्म हो गए उनके एडिक्शंस। सो अनुभवों की सीमा अनंतहीन है, लेकिन फालुन गोंग का अभ्यास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। आपको सिर्फ पूछना है, आपको बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिलेंगी। चलिए इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊं, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयरिंग का वीडियो दिखाती हूं। मैं तकनीकी क्रांति के बीच जी रहा हूं क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में काम करता हूं, लेकिन जीवन ने मुझे विनम्र ज्ञान दिया है जो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता है। मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करता हूं, मैं वॉल स्ट्रीट की दो बड़ी निवेश फर्मों में भी जुड़ा रहा हूं। इस उलझन भरी दुनिया में जैसे मुझे आंतरिक खुशी का कोड मिल गया है। मैं सुमन श्रीनिवासन हूं, अभी मैं अमेरिका में रह रहा हूं। मेरा जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ। मैं इंजीनियरों और डॉक्टरों के परिवार में पला बढ़ा। मेरा भविष्य सही दिशा में बढ़ रहा था। हर समय किताबों के बीच दबे रहना, यही मेरा जीवन था। अपनी उम्र के लड़कों की तरह मुझे खेल कूद में दिलचस्पी नहीं थी। मेरा दिल हमेशा जीवन का सही अर्थ खोजने के लिए तड़प रहा था। 2001 में एक बड़ा मोड़ आया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मैं अमेरिका चला गया। अपने प्यार करने वाले परिवार से दूर रहना सब कुछ नया और चुनौतीपूर्ण था, और हर रोज एक नई शुरुआत थी। समय बीतता गया, मुझे ध्यान अभ्यास के बारे में एक परिचय पत्र मिला और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। यह फालुन दाफा के बारे में था। मैं इसके गहन सिद्धांतों से प्रभावित हुआ। सत्य, करुणा, सहनशीलता मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। कुछ ही समय में मेरा दर्दनाक माइग्रेन समाप्त हो गया। यूनिवर्सिटी का तनाव भरा जीवन शांति और सद्भाव में बदल गया। मेरे पेट की परेशानी ठीक हो गई। पहले जहां मेरा भोजन सरल और सादा था, अब दुनिया मेरी थाली बन गई और मैं बिना किसी चिंता के हर तरह के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकता था। 2005 में मुझे प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी के लिए दाखिला मिल गया। अपने शोध के दौरान दो यूएस पेटेंट का भी मैं भागीदार बना। पीएचडी पूरी करने की अपनी चुनौतियां थी, लेकिन मेरे साधना अभ्यास ने मुझे इससे उबरने के लिए शक्ति और दृढ़ संकल्प दिया। यह मेरी कहानी है, कैसे फालुन दाफा ने मुझे जीवन के गूढ़ प्रश्नों को समझने में मदद की। प्रतिस्पर्धा भरी राह पर चलते हुए मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन फालुन दाफा ने मुझे आंतरिक शांति दी है जो मुझे इस दुनिया की चुनौतियों के बीच स्थिर रखता है। जीवन एक स्केलेबल प्रोग्राम बनाने जैसा है। एक अच्छा यूजर अनुभव देना मेरे रोज के काम का हिस्सा है। एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपना जीवन दया और प्रेम के साथ जी सकूं। हर एक क्लिक के साथ सत्य, करुणा, सहनशीलता का जादुई कोड इस उलझन भरी दुनिया में हर किसी को अस्तित्व की पूर्णता का आभास करा सकता है। फालुन दाफा अच्छा है। चलिए अब हम फालुन दाफा के व्यायाम के बारे में बताते हैं। फालुन दाफा में चार खड़े होकर करने के व्यायाम हैं और एक बैठकर सिटिंग मेडिटेशन है। यह व्यायाम बहुत ही सरल हैं पर बहुत प्रभावी हैं। तो इनको आप कैसे सीख सकते हैं? फालुन दाफा की ऑफिशियल वेबसाइट falundafa.org पर जाकर आप एक्सरसाइजेस देखकर भी सीख सकते हैं। वहां पर लोकल कॉन्टैक्ट्स भी दिए गए हैं। अपनी सिटी के प्रैक्टिशनर से कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। फालुन दाफा की दो पुस्तक हैं, फालुन गोंग और जुआन फालुन।
उनका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन एक्सरसाइजेस सीखना चाहते हैं और फालुन दाफा से संबंधित यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए 9920093985। यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फालुन दाफा की फ्री ऑनलाइन वेबिनार के रजिस्ट्रेशन के लिए आप learnfg.in पर जाकर रजिस्टर भी करा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, फालुन दाफा की सारी एक्टिविटीज फ्री ऑफ चार्ज हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो हम आशा करते हैं कि आप इस पूरी जानकारी का लाभ उठाएंगे, फालुन दाफा के अभ्यास को सीखेंगे। ये पूरी जानकारी आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हम आपको श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि यह अभ्यास आपके जीवन को बदल देगा। This practice can change your life.